ये हमारे बोट के ड्राइवर अंकल, और यहाँ से अब हमारी बोट रवाना हो चुकी है जी। यहाँ ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इस लाइन में सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ये लाइन जो है ये बीच की लाइन है। मुमकिन सी चीज है, लेकिन हमारे जो जगलर है वो इतने ज्यादा। सुबैर भाई का रिक्शा यहाँ खड़ा है। सुबैर भाई रिक्शा यहीं छोड़ के चले गए थे पिछले साल, पार्ट टाइम आइसक्रीम बेचने। हाँ, पार्ट टाइम आइसक्रीम बेचते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज कराची सीजन का आखिरी व्लॉग है, व्लॉग आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा जी, तो हम पोर्ट ग्रैंड पहुँच चुके हैं और ये मेरा स्क्वाड है। अच्छा, यहाँ से एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से एंटर करेंगे, और यहाँ से हमने टिकट लेने, टिकट ले वहाँ से टिकट लेते हैं, फिर हम एंटर करते हैं। ठीक है भाई, बोट पे पहले कभी बैठे हो कि नहीं? आज ही बैठ रहे हो। बैर भाई क्या कर रहे हो यार, आपको हर जगह गर्मी लगती है यार। किसने कहा था आप कॉटन पहने? यार शादी भी जाना है ना, और स्पेशल गेस्ट हूँ। अच्छा, स्पेशल गेस्ट हैं आप, उनके लिए स्पेशल। बोट राइडिंग पहले किया आपने कभी? एक बार की है, इस्लामाबाद में। खानपुर क्या था ये, थोड़ा सा इन्वायरमेंट दिखाएं कराची वालों को। नहीं नहीं, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इन्वायरमेंट है। हाँ जी भाई जान, आपने कभी कश्ती पे सफर किया? खानपुर किया था भाई। अच्छा माशाल्लाह, सारे खानपुर गए हो आप? बताएं जी, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ किश्ती में, कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, और आप कभी किश्ती में गए हो? गया हूँ, दो दफा तो गया हूँ। हाँ जी भाईजान, आवाज भाई आप गए हो कभी किश्ती में? किश्ती में एक बार गया, अभी दूसरे मतलब जा रहा हूँ। अच्छा चलो जी, कराची में रह के ये भाई पहली दफा जा रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह बोट राइडिंग करने लगे हैं, तो अभी 10-15 मिनट वेटिंग है, उसके बाद अंदर जाएंगे और बोट राइडिंग के बाद हम जाएंगे पोर्ट ग्रैंड इंशाल्लाह। ये सामने पोर्ट ग्रैंड आपको नजर आ रहा होगा, उस पुल के पार वहाँ जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा जी, तो हमने तैयारी कर ली है, अभी हम चढ़ने लगे हैं जी बोट पे। जुबैर भाई, जुबैर भाई फुल माशाल्लाह तैयारी में जी। अभी यहाँ से हमने नीचे जाना है, वहाँ हमारी बोट खड़ी है, उस पर हमने बैठना है और हमने आगे इंशाल्लाह जाना है। हाँ जी, ये हमारी बोट का रास्ता, और ये खड़ी है हमारी बोट। चलो जी बैठो 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 बैठो। अतीक भाई ख्याल करना, नीचे पानी में चले जाना, ये ना फिर आपको पानी में ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। मैं एक मिनट, मैं हाथ दे मुझे, ये चीज मैं गाड़ी चलाऊं, ड्राइवर बैठेगा। चलो जी, मैं इधर बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम अच्छा जी, तो अभी हम बोट में बैठ चुके हैं, ये हमारे बोट के ड्राइवर अंकल, और यहाँ से अब हमारी बोट रवाना हो चुकी है जी। अतीक भाई, हाँ जी, मज़ा आ रहा है आपको? चाचा की ड्राइविंग पसंद आई आपको? चाचा जी की ड्राइविंग माशाल्लाह कमाल की यार, पीछे ही बना लाजमी नहीं है मेरे मुंह के आगे आ जाए। अच्छा जी, तो हम बोट राइडिंग करके वापस पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ उतरेंगे हम वापस। अब यहाँ से हम जाएंगे पोर्ट ग्रैंड पे इंशाल्लाह, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, हम अंदर आ चुके हैं, और ये व्यू दिखाते हैं आपको पोर्ट ग्रैंड का। यहाँ से ये प्रॉपर माहौल बना हुआ है यहाँ,
और ये व्यू दिखाते हैं आपको, ये सारा ये सीन चेक करें। सामने बड़ी लॉन्च खड़ी है ना, ये 47 नंबर, काफ़ी बड़ी है यार। शादियों की बुकिंग वगैरह होती है उसके लिए कह रहे हैं कि ये इम्पोर्ट बनी हुई है, जो इम्पोर्ट का सामान आता है वो दूसरी जगह होता है। ये जो सारा एरिया है मेरे ख्याल वो शिपिंग का वो बना हुआ है, सामने नज़र आ रहा है आपको, वो साइड शिपिंग की है और ये साइड शादियों की है। मुफ्ती साहब हमारे इसको एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इस लाइन में सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ये लाइन जो है ये बीच की लाइन है। सुबैर भाई का रिक्शा यहाँ खड़ा है, सुबैर भाई रिक्शा यहीं छोड़ के चले गए थे पिछले साल, पार्ट टाइम आइसक्रीम बेचने, पार्ट टाइम आइसक्रीम बेचते हैं। और अतीक भाई आपका रिक्शा कहाँ खड़ा है? मैंने वो चार्जिंग पर लगाई, चार्जिंग पर लगाई। ये सारे होटल आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े वी आई पी, एक से बढ़कर एक अच्छे होटल हैं, और ये सारे स्टॉल लगे हैं इस साइड पे। ये होटल है, बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आती है, अच्छा यहाँ आके आपको है ना। बेहतर से बेहतरीन जगह है माशाल्लाह। अच्छा जी, बड़ी प्यारी जगह, यकीन माने मैं कराची में जितने भी एरियाज में गए हैं सबसे बेहतरीन खूबसूरत जगह ये है। यहाँ सी व्यू भी आपको नज़र आ, समझ लें एक फीलिंग आती है उसकी, दूसरा अच्छे अच्छे होटल्स भी आपको नज़र आ जाएंगे और यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और उसके अलावा ये सामने पोर्ट भी नज़र आ रहा है आपको, और इस तरफ शादी वाला पोर्ट है, इस तरफ सामान वाला पोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। हाँ जी, हमें चाइना भेज दें, लेकिन एक बात है यहाँ से 2 महीने लगते हैं पहुँचते हुए, 2 महीने में पहुँच जाओगे? 8 दिन से तो वैसे भी हम घर से बाहर हैं, चले 2 महीने और, 2 महीने और लग जाएंगे। जी सर, ये गोला मिलेगा, ये गोला मिलेगा, सारा गोला मिलेगा। अच्छा, ये धुआं निकालने वाला? नहीं, धुएं नहीं निकालते भाई, धुएं नहीं निकालने, आप सादा गोला खिला दो। क्या कह रहे हैं? आप हमें आइसक्रीम खिलाएं या गोला खिलाएं? सोडा पीना, गोला खाना, दोनों कर लेते हैं। आप हमें 6 सोडे दे दें, 6 और फिर उसके बाद 6 गोले बुला लेते हैं। सामने बैठ जाएं, ठीक है आप बैठ। चलो जी आ जाओ, थोड़ा आ चुका है। ये तो लड़कियों वाला कलर है भाई, जुबैर हाँ भाई जुबैर करेंगे। अच्छा, ये लड़कियों ने बनाया, लड़कियों वाला कलर है। अच्छा, शाहरुख खान लाइट भाई, कौन सी आइसक्रीम खानी है? ये लो भाई, प्रैंक हो गया। गुड यार, गुड। ऑलराइट, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं इस स्टेज पे, वो पाकिस्तान में पहली बार परफॉर्म किया जा रहा है कराची। बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि इस स्टेज पे पोर्ट ब्रांड के लाइव स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है। पहले तो इसी बात पे शोर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में पहली बार परफॉर्म किया जा रहा है, शोर मचाइए मिलके। और
रोलर है और माय गॉड ये सीढ़ी बहुत ज्यादा रोटेट हो रही है, इस पे बैलेंस बहुत मुश्किल है करना। असरा क्या ख्याल है आपका, हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नामुमकिन सी चीज है, लेकिन हमारे जो जगलर हैं वो इतने ज्यादा माहिर हैं कि वो इसको जरूर करके दिखाएंगे अगर ऑडियंस का साथ रहा तो ऑडियंस मचाओ शोर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुद को बैलेंस